अंदर जाते ही लॉरेन घबराकर अंधेरे बनकर में उतर जाती है। वो उसे जांचने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन उसकी अचानक हरकत ने लॉरेन को डरा दिया और वो बनकर से वापस घर भाग गई। लॉरेन ने इस बार बंदूक से लैस होकर बनकर में फिर से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो प्रवेश करती है तो वो आदमी को सोता हुआ पाती है, इसलिए वो उसकी पहचान करने के लिए सावधानी से उसकी उंगलियों के निशान लेती है। तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। वो थोड़ी देर बाद चेहरे पर मास्क लगाकर लौटती है और उसका नाम पूछती है। हैरानी की बात यह है कि वो आदमी लॉरेन और उसके परिवार के बारे में सब जानता था। उसका जन्मदिन, उसके भाई का नाम और उसके पिता की इच्छा के खिलाफ उसकी शादी भी शामिल है। आर्चर की मुलाकात 3 दशक पहले हुई थी और जल्दी ही दोस्ती कर ली क्योंकि जुआ, पैसा और महिलाओं में उनकी पसंद एक जैसी थी। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी बन गए। मॉर्गन के अनुसार एक आधी रात को आर्चर नशे में गाड़ी चला रहा था और वो यात्री सीट पर था। त्रासदी तब हुई जब आर्चर ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी जिसके कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मॉर्गन पुलिस को बुलाना चाहता था लेकिन आर्चर ने यह मानते हुए शव को ठिकाने लगाने पर जोर दिया कि यह एक दुर्घटना है। जब दोनों के बीच बहस हुई तो आर्चर ने उसे इसी बंकर में बंद कर दिया। इसके